बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में आपने ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में जाना था। ग्रिगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो कि सोलर कैलेंडर है, यानी सूरज के हिसाब किताब से जो कैलेंडर बनाया गया है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और ये पूरी दुनिया में ज़्यादातर कॉमनली इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके हैं 12 महीने और आज हम इन 12 महीनों के बारे में जानेंगे कि इनके नाम क्या हैं, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उर्दू की जबान में क्या कहा जाता है और ये नाम कहाँ से आए हैं। सबसे पहला महीना है जनवरी। इंग्लिश में जनवरी कहा जाता है, उर्दू में इसको जनवरी कहा जाता है। ये जनवरी का जो नाम है ये रोमन गॉड जेनस के नाम से रखा गया है और ये सर्दियों का महीना कहलाता है, इसमें शदीद ठंड होती है। दूसरे नंबर पे जो महीना आता है वो है फरवरी। फरवरी का महीना जो है वो उर्दू में उसको कहते हैं फरवरी। ये रोमन फेस्टिवल्स के जो है वो इब्तदा हुई थी उस पे ये नाम फरवरा के नाम से रखा गया है और उसी को बेस करते हुए इसका नाम फरवरी रखा गया है। तीसरे महीने का नाम है मार्च, उर्दू में भी मार्च और अंग्रेजी में भी मार्च, और ये नाम जो है वो मार्स जो कि रोमन गॉड ऑफ वार है उनके नाम पे रखा गया है। चौथा महीना है अप्रैल। अप्रैल लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है ओपन। ओपन किस सेंस में है कि यहाँ पर फूलों का खिलने का टाइम होता है और बहार का मौसम शुरू होता है, तो ये नाम जो है वो उस मुनासबत से रखा गया है। इस मौसम में हर जगह फूल ही फूल नजर आते हैं। फिर है मई। मई का महीना पांचवा महीना है, इसको मई कहा जाता है जबकि उर्दू में मई कहा जाता है, और मई का महीना जो है वो ग्रीक गॉडेस माया के नाम से पे रखा गया है। फिर आता है छठा महीना जून का। जून का रोमन गॉडेस जूनो के नाम पे रखा गया है जो कि वाइफ हैं जुपिटर जो कि किंग ऑफ गॉड्स हैं उन पे रखा गया है। ये रोमन माइथोलॉजी है, इनके जो है गॉडेस और उनके जो गॉड और गॉडेस होती हैं उन पर की बेस पर जो है वो ज़्यादातर इन शुरू के 6 महीनों के नाम जो हैं वो रखे गए हैं, जिसमें फरवरी जो है वो एक फेस्टिवल के नाम पे रखा गया है। देन हम आते हैं जुलाई पे। जुलाई और अगस्त, जुलाई को उर्दू में जुलाई ही कहा जाता है, अगस्त को उर्दू में अगस्त कहा जाता है। ये नाम दो एंशियंट रोम की मशहूर फिगर्स जूलियस सीजर और अगस्त जो है वो ऑगस्टन जो है उनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ये रोमन एम्पायर जो है वो बनाई थी। अब ये 9, 10, 11, 12 ये जो 4 महीने हैं 9, 10, 11, 12 इनके पहले मैं नाम बताती हूँ आपको। सितंबर, सितंबर जो है उर्दू में सितंबर कहा जाता है। अक्टूबर, अक्टूबर कहा जाता है। नवंबर, नवंबर को नवंबर कहा जाता है, जबकि दिसंबर को उर्दू में दिसंबर कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब सितंबर का जो नाम है ये लव लैटिन लव सेप्टम से निकला है जिसका मतलब है 7। ठीक है, और अक्टूबर जो है वो ऑक्टा से निकला है, ये भी लैटिन वर्ड है, ऑक्टा मीन्स 8। नवा महीना है लैटिन वर्ड नोवेम, लोवेम का मतलब है 9, और दसवां महीना है लैटिन वर्ड डिसेम, डिसेम का जैसे डेसी मीटर, और क्योंकि ये पहले की इनकी क्लासिफिकेशन थी तो उसमें इन्होंने ये नाम रखे थे। अब सितंबर जो है वो इधर सेप्टम से लिखा है इन्होंने 7, क्योंकि ये 7th अब उसपे नंबर में नहीं है, ये नवा महीना है। अक्टूबर भी ऑक्टा मीन्स 8 होता है लेकिन ये दसवां महीना है। फिर इसी तरह से नवंबर जो है उसका नाम नवम आता है लेकिन ये नवा महीना नहीं है, ये हमारा 11वां महीना है, जबकि दिसंबर जो है वो लैटिन वर्ड उसका मतलब है डिसेम,
यानी 10, लेकिन ये 10वां महीना नहीं है, ये 12वां महीना है, ठीक है। तो ये थे इनके नाम रखने की वजूहात। ये ओरिजिनली जब ये कैलेंडर डिसाइड हुआ तो ये नाम इसी सीक्वेंस में रखे गए थे, और फिर लेटर जो है वो कुछ चेंजिंग जब होती गई तो उसके बाद अब जो करंटली अवेलेबल कैलेंडर है उसमें ये सीक्वेंस है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इन महीनों में कितने कितने दिन होते हैं। जनवरी में होते हैं 31 डेज, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, मार्च के महीने में 31 डेज, अप्रैल हैज 30 डेज, मई आल्सो हैज 31 डेज, जून हैज 30 डेज, जुलाई एंड अगस्त बोथ हैव 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर हैज 31 डेज, ठीक है। ये तो हो गया इनके बारे में इंफॉर्मेशन। फरवरी के 28 और 29 डेज क्यों होते हैं और इन टोटल सारे दिनों का टोटल क्या होता है और एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, ये आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें।